हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देख सकते हैं, आई थिंक आप लोग स्वस्थ मस्त और बिंदास होंगे। मेरी गुड मॉर्निंग तो ऐसे होती है ना बेटू, गुड मॉर्निंग, हरे महादेव हरे महादेव हरे महादेव हरे महादेव। मेरी बेटी के साथ, इसके स्माइल के साथ मेरी सुबह होती है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कुछ नोटिस करिए, कुछ दिख रहा है क्या? दोपहर के समथिंग 12-1 ऐसी कुछ हो रहा था, और उस टाइम पे मैं थोड़ा बाहर निकली और मौसम कुछ इस तरीके से था। मैं सोची रिकॉर्ड करती हूँ, रिकॉर्ड की तो पता चला कि यहाँ कुछ दिख रहा है। नोटिस करिएगा आप लोग कि क्या है। और फिर इसके बाद हम लोग शाम को जाने वाले हैं कहीं, सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मिलवाऊंगी न्यू फैमिली से, है ना। हम लोग जाएंगे शाम को, कुछ प्रोग्राम बना था, दिन में भी था भाभी के यहाँ पे, आज भी सर्जन होने वाला था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सो गई थी। शाम को उठी, फिर भैया फ़ोन किया कि आ जाओ करके, तो मैं गई थी। और उसके बाद भी हम लोग कहीं गए हैं, सो बनी रहिएगा ब्लॉग के साथ, देखिए मैं कहाँ गई थी। तो आज भाभी के यहाँ खिचड़ी का भंडारा था और आज विसर्जन हो गया, मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, मिलते हैं। हम लोग जा रहे हैं घर, घर जा रहे हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं? उसको बनने की दरवाजा घर नहीं, कहीं और जा रहे थे। सो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ और देखिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ऐसे खूब घूम रही है ये, नींद वींद नहीं खोल रखी है। हम लोग आ गए हैं ज्ञानोदय मंदिर में, मंदिर बोल रही हूँ, स्कूल में। यहाँ पे बच्चे लोगों को बहुत सारी खिचड़ी बच गई थी, तो यहाँ पे हम लोग लेने आए हैं, आके फिर जाएंगे, मिलते हैं। यहाँ ज्ञानोदय स्कूल में आए हुए हैं हम लोग बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने और प्रसाद देने के लिए। हालांकि यहाँ ये दिखाना नहीं था कि प्रसाद दे रहे हैं या कुछ भी, मतलब लोगों को जताना नहीं था, बस मैं थोड़ा वीडियो बना ली लोगों के साथ। और ऐसे तो भाभी को भी बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किए हम लोग वहाँ पर सबके साथ। बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ। सो मैं तो फर्स्ट टाइम गई हुई थी, भाभी जाती रहती हैं और वो फिर भी जाएंगी। बाबू इन लोगों के साथ खेल रही है। निखिल ब्लॉग में आ गया। सेवा दिखा के या जता के करना ज़रूरी नहीं है, निस्वार्थ सेवा अच्छा लगता है करना, जो कि भाभी मेरी कर रही हैं। भगवान उन पे हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे और उनको भी जल्दी से खुशखबरी दें। सो आप लोग भी मेरी भाभी के लिए थोड़ी दुआ करिएगा कि वो हमेशा खुश रहें और वो जो चाहती हैं उनको मिले। यहाँ पे देखिए बच्चों के साथ हम लोग मिल के अब जा रहे हैं घर वापस। नहीं आ रहा भैया, बहुत खुश थे बच्चे भी और हम लोग भी। सो हम लोग भैया के यहाँ से आ गए हैं और अब हो रहा है जब जागृति मंच में बुगी बू का शो। तो चलिए मैं आप लोग को एकाध दो तो दिखाई दूंगी शो, ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी क्योंकि बाबू को सुला के जा रही हूँ, तो इसको ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ सकती। बस आप लोगों के लिए जा रही हूँ मैं। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो लगता है कि प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे। दूसरी जगह से भी आया था, पता है पिछले बार क्या हुआ था? मैं पिछले बार दिल्ली में थी और उस टाइम बाबू पेट में थी। उस टाइम पे मैं भंडारा के लिए बहुत ज़्यादा उतावली हो रही थी, मम्मी लोग को बहुत सुनाती थी जो लोग भंडारा खा रहे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे भंडारा। प्रसाद तो प्रसाद के नाम पे टेस्ट ही अलग आ जाता है। तो चलिए मिलते हैं। सो देख सकते हैं
में प्रोग्राम शायद स्टार्ट है। इसके बाद अगली प्रस्तुति के लिए आप सबके समक्ष आ रही है परी। बिना प्रिपरेशन का बच्चों का डांस कैसा होगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा डांस कर रही थी, बहुत क्यूट थी। डांस करने की क्या जरूरत है, ये सामने खड़ी थी वही बहुत अच्छा लगा। के अगर इस प्रकार के आसपास में क्या हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना प्यार बनाए रहिएगा इसी तरीके से जैसे आप लोग बना रहे हैं। और ये देखिए प्रसाद, तो मैं प्रसाद लेने आई हुई थी। और नेक्स्ट है सिंगिंग का, देखिए इन दोनों प्रतिभागियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। इनके प्रोग्राम के बाद फिर मैं आपको दूसरे गणेश पंडाल में भी लेकर के जाऊंगी। वहाँ से भी आए हुए थे बुलाने के लिए कि आइएगा करके, तो हम लोग वहाँ भी जा रहे हैं। बस अभी तक आप लोग को एक गणेश पंडाल नहीं घुमाई हूँ, सो वो भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर घुमाऊंगी, दिखा दूँगी। Thank you.
ब्लॉग के साथ। ये देखिए मैं आपको एक और गणेश जी दिखा रही हूँ। सो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ और सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे भी है गणेश जी बैठाए हुए हैं। ये हमारे कॉलोनी के सामने मेरा सारा चल रहा था लेकिन ऑलरेडी मेरा पेट भरा हुआ था तो खाने के लिए रख दिया था। फिर भी भैया लोग बोल रहे थे खा लो। और यहाँ पे देखने के बाद मैं आपको एक और गणेश जी से मिलवाऊंगी। हम लोगों ने भोग ले लिया है प्रसाद की हलवा। सो मिलते हैं कुछ देर में। बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। और आप लोगों के पास गणेश पंडाल में क्या क्या होगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। घर आ गए हैं क्योंकि मेरी बेटी देखिए मम्मी लेके खा रही है, वो उठ ही रही थी तो मम्मी लेकर के बैठी हुई है इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर आ जाती हूँ। भाग बेटू को छोड़ कर जाऊँ तो टेंशन बना रहता है और लेके जाऊँगा तो कोई टेंशन नहीं रहता है। तो ये सो गई थी तो मैं इसको लेके नहीं गई। सो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के आसपास गणेश पंडाल में क्या क्या होगा, आप लोग कितना इन्जॉय कर रहे हैं।